काफी बारिश है हम लोग का बीच में, हम लोग का तरफ बारिश भी दे रहा है हम लोग इधर, और काफी मुश्किल वजह से। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हर एक का जीवन होता आशीष के द्वारा लाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ये मेरा छोटा सा रहने का घर है जो हम लोग Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सबों का प्रभु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के शाम की मीटिंग में। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हम सबों को संभाले रखा है। इस समय के लिए हाँ क्यों पास्टर जी आ गए आ गए आ गए। हालेलुया आए आए। क्या चीज में अरे इसमें ना पकोड़ी डाल के एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ दिखाया न्यूज में लॉक्सीमीटर में पकोड़ी डाला था। परमेश्वर के दिए हुए समय के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सबों का जितने भी लोग आज के इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, आप सबों का मैं पास्टर राकेश कंडोलना और जमशेदपुर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं हमारे इस प्रेयर फ्लेम जमशेदपुर जो कि पास्टर्स और अगुओं का और विश्वासियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग हर शाम में परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सो आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी लोग जितने भी लोग आज के शाम में इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग अपने परमेश्वर के करीब आएँ और अपने परमेश्वर की थोड़ी देर हम लोग आराधना करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस समय जितने भी लोग
ज्वाइन किया है इस मीटिंग को, मैं चाहता हूं कि आइए हम सभी लोग इधर 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 उधर की बातों को छोड़ करके, है ना, चिंता को अपने भूल करके और अपने तकलीफ को दरकिनार करते हुए आइए हम लोग अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हम लोग इधर उधर की बातों को ना सोचें, लेकिन आइए आज की इस शाम में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो है परमेश्वर आपके जीवन को छूने के लिए जा रहा है, आज परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए जा रहा है। और इसके लिए जरूरी है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों कि हम परमेश्वर के करीब आएं और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर को थोड़ी देर अपने शब्दों में धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने अब तक हम सबों को बचाए रखा है, हम सबों को संभाले रखा है, इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठा करके प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है विलाप गीत उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम मर मिटने गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर जो अब तक संभाला है, वो परमेश्वर का वायदा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या एक दूध पीते बच्चे को एक माता भूल सकती है? हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको कभी भी नहीं भूलूंगा। वो कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर उकेर करके बनाया है। ओ हालेलुया, और उसकी शहरपनाह हमारे जीवन के चारों तरफ रहती है मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों। इसलिए आइए हम लोग अपने होठों को खोल करके अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा करेंगे और उससे बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, अभी के समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है, हमारे पांव में ठेस लगने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से आपने बचा करके रखा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम को हम सभी लोग ऊंचा उठाते हैं आज की शाम में। Glory to God, hallelujah, 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 हालेलुया, रिबा शांदा बाखाथा माना, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपका कब्जा हर एक के जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी उपस्थिति हर एक को भर दें, अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से एक एक को छुए परमेश्वर, और हम सभी लोगों के जीवन से प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा मिल सके परमेश्वर। आज हमारा ध्यान प्रभु जी समस्या की ओर नहीं है, उसकी ओर नहीं है, डॉक्टरों की रिपोर्ट पर नहीं है, लेकिन आज हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह की ओर है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा परमेश्वर है। वही हमारे पांवों को फिसलने से बचा सकता है, वही हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा सकता है। थैंक यू जीसस, वी गिव यू प्रेज इन दिस इवनिंग, वी गिव यू प्रेज, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और जुड़े हुए सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम नहीं जानते कि किसकी कैसी परिस्थिति है, कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आज अपने पवित्र आत्मा से प्रभु हर एक को भर दें, एक एक को छुए, आज बंधने तोड़ी जाएं, आज लोग आजाद हों यीशु मसीह के नाम में, आज लोग छुटकारा पाएं यीशु मसीह के नाम में, आज लोग चंगाई पाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सारे रुकावट और बाधाओं को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, तमाम बलवानों की शक्तियों को हम बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम सबों के जीवन पर आपका कब्जा हो पवित्र आत्मा, हालेलुया, ताकि हम सब मिलकर के प्रभु आपके रात न स्तुति आत्मा सच्चाई के साथ में करने पाए। हालेलुया, इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ये सभा आपकी है प्रभु, इस सभा का परमेश्वर आप है प्रभु, और आपके लोग ही परमेश्वर इस सभा में जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम दुआ करते हैं कि आपकी पवित्र हुजूरी जहां से भी प्रभु जी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ज्वाइन किए हैं, उन सबों के जीवन में आपका अद्भुत कार्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। Glory to God, glory to God, hallelujah. Oh, मैं जानता हूं परमेश्वर कि आज बहुतों के जीवन में प्रभु जी आपका अद्भुत कार्य होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आज आपके लोग आशीष ही नहीं पाएंगे सिर्फ, लेकिन आज आपके लोग महान परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आज आपके लोग छुटकारा पाएंगे, आज आपके लोग चंगाई पाएंगे, आज आपके लोग आपके पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं पिता,
इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन 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 आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे लोगों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से और हमारे जमशेदपुर प्रेयर फ्लेम की ओर से मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप सबों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। आज भी बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इन दिनों हर दिन हम लोग जो है इस जूम ऑनलाइन मीटिंग को हम लोग आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, और हर दिन अलग अलग प्रभु के दास लोग आकर के परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, और लोग जो है बहुत आयत से आशीष पा रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी बहुत आयत से लोग जो लोग जुड़ रहे हैं आप लोग आशीष को पा रहे हैं। सो आज की शाम भी बहुत ही अद्भुत होने वाली है, इसलिए कहीं पर भी इस कार्यक्रम को छोड़ करके नहीं, आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। और इस समय हम लोग परमेश्वर की आराधना में थोड़ा सा समय बिताएंगे, और हमारे बीच में दो नौजवान हैं, क्रिस्टोफर और क्रिस, और ये लोग जो है हम सबों की अगुवाई करेंगे परमेश्वर की आराधना करने में। कुछ गीतों को हम सभी लोग उनके साथ में हम लोग मिल करके गाएंगे। सो मैं स्वागत करता हूँ क्रिस और क्रिस्टोफर का। सो तालियों के साथ में हम इन जवानों का स्वागत करेंगे जो टैबरनेकल चर्च से ये जवान लोग आते हैं, और ये जवान लोग बहुत ही परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहा है, और मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में और भी अधिक इन बच्चों को इस्तेमाल करे। सो क्रिस और क्रिस्टोफर इस समय परमेश्वर की आराधना करने में अगुवाई करेंगे। यस, हालेलुया। हमारी आवाज आ रही पास्टर जी? स्क्रीन शेयर ऑन करिएगा, थोड़ा सा स्लो है। अभी यार आवाज, स्क्रीन शेयर ऑन करके रखिएगा पास्टर जी। आवाज आ रही क्लियरली? आवाज आ रही उधर? नहीं आ रहा। आ रही आवाज? थोड़ा सा और बढ़ने से अच्छा रहता। अभी अब ठीक है? थोड़ा सा और साउंड दीजिए ना हल्का सा। अभी ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है। स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिएगा। स्क्रीन शेयर पास्टर जी ऑन करके रखिएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर महान है, उसने फिर से एक मौका को दिया है हम लोगों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। पास्टर जी स्क्रीन शेयर ऑन करके रखिएगा, लिरिक्स शेयर करेंगे हम लोग। पास्टर जी स्क्रीन शेयर ऑन करके रखिएगा। पास्टर राकेश जी हम लोग बोल रहे हैं कि स्क्रीन शेयर ऑन करके रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हालेलुया। आप लोगों के बीच में फिर से हम लोग आए हैं, परमेश्वर की महिमा हो। फिर से आइए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। आप लोग की स्क्रीन में गाना दिखाया जा रहा है, आप लोग देख देख के गा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर दिन उसके लिए नया गीत गाओ, बिना सारंगी डाफ और भी कई प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, सारे वाद्य यंत्र को इस्तेमाल करते परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया राज, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड ग्लोरी, हालेलुया। जीसस, हालेलुया, हालेलुया।
फासला मायूस होकर शकी हो देखा निराशा में मेरा नाम लिया अंधा को होकर तेरी मुहब्बत से मेरा दिल तूने भरा पूरा हुआ सब लिखा गया है यीशु मसीह तू है आशा मेरी मेरे प्रियो वो परमेश्वर हमारा आशा हमारा भरोसा
हमने नहीं सोचा था ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं। हालेलुया राज, धन्यवाद। आए और गीतों को गाते परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तालियां को बजाएंगे। तालियां को बजाएंगे। यीशु के नाम से हम अंधे देखते हैं, यीशु के नाम से हम लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से हम अंधे देखते हैं, यीशु के नाम से हम लंगड़े चलते हैं। वो यीशु जो मरा, वो यीशु जो मरा, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं, यीशु के नाम से हम मुर्दे जीते हैं, यीशु के नाम से हम बंधन टूटते हैं, यीशु के नाम से हम मुर्दे जीते हैं, यीशु के नाम से हम बंधन टूटते हैं। वो यीशु जो मरा, वो यीशु जो मरा, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं। यीशु की ओ राजा, ओ का राजा, जय हो प्रभु के। वो यीशु जो मरा, वो यीशु जो मरा, जिस नाम से हम जय पाते हैं, नाम से हम जय पाते हैं, नाम से हम जय पाते हैं। आओ हम मिलकर झूमे नाचे जय यीशु की, वो राजाओं का राजा।
जय हो प्रभु के, आओ हम मिलके झूमे नाचे जय यीशु की। वो राजाओं का राजा जय हो प्रभु के, वो यीशु जो मरा, वो यीशु जो मरा, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं, जिस नाम से हम जय पाते हैं। हालेलुया राजा, ओ महापरमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ओ यीशु नाम से हमारा जय है। हालेलुया यीशु राजा, मेरे प्रियो मैं अपनी आंखों को बंद करे, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया राजा यीशु मसीह, आशीष धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे प्रियो यीशु, आशीष उसके नाम से अंधे चलते देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया राजा। हाथों को उठा तेरे चरणों में आकर सजदा कर, सजदा करूं एकदा पवित्र आत्मा मुझे, पवित्र आत्मा हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझे, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभी से मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभी से मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे,
आगे की भाव को प्रभु तेरे हाथ में सौंप आशीष यीशु मसीह के नाम में आमीन। आगे की भाव को पास्टर पास्टर जी के हाथ में सौंपना चाहते हैं। जय मसीह। क्या बोला सबको परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों। और हम लोगों को कुछ बात जानने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है कि जब हम लोग एक पवित्र सभा में जुड़े हुए हैं, इसमें किसी मनुष्य की सभा नहीं है, ये परमेश्वर का सभा है, और इसलिए हम लोग को कुछ बातों को जानना जरूरी है मेरे प्यारे लोगों। अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन शेयर हो रहा था, कुछ लोग उसमें लिख रहे, तो ये मतलब सही नहीं है, प्लीज ऐसा ना करें। और दूसरी बात है कि बीच बीच में कुछ अनम्यूट करके वैसा कुछ नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नए होंगे, तो ये सारी बातों को जानना और सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु की सभा है और हम लोग इसमें किसी भी तरह से हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि एक बात है कि जो दुष्ट है वो हमेशा परमेश्वर के काम में दखल देता है, तो जब हम परमेश्वर के काम में दखल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम दुष्ट के को हम मदद कर रहे हैं, और ये जो है परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता है। हम लोग इतना गंभीर समय के अंदर में है, और इसमें हम लोग परमेश्वर की सभा में खेल और मजाक नहीं कर सकते हैं। सो प्रभु आप सबको को बहुत आयत से आशीष करे। और प्रभु के दास जो है पास्टर अजीत और आज के मुख्य वक्ता होंगे, तो थोड़ा समय है उनका ज्वाइन करने में। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने पुराने लोग हैं जो इस मीटिंग को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, आपने यदि इस कार्यक्रम के द्वारा से आशीष पाई है तो अपने अपने गवाही को एक या दो मिनट के अंदर में आप रख सकते हैं, आप दूसरों को इनकरेज करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप इस कोविड से आप उबर करके आए हैं, परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से चंगाई दी है, या किसी भी बीमारी से चंगाई दी है या छुटकारा दिया है, या आपने आप पवित्र आत्मा से आप भरे हैं, तो इस समय दो या तीन लोगों को मैं मौका दूंगा कि आप जो है अनम्यूट करके अपने जीवन की गवाही को दूसरों को इनकरेज करने के लिए, दूसरों को का उत्साह बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इस समय दो या तीन जन जो है अपनी गवाही को संक्षेप में बिल्कुल सटीक शब्दों में कि आपको परमेश्वर ने किस प्रकार से इन कार्यक्रमों के द्वारा से आशीष किया है, और तो आप जो है दो या तीन लोग इन कार्यक्रमों के द्वारा से, हम लोग जो इवनिंग में हम लोग ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा से अगर आपने आशीष पाई है, छुटकारा पाया है, चंगाई पाई है, उद्धार का अनुभव परमेश्वर के अनुग्रह से आपको यदि मिला है, तो थोड़े शब्दों में जो है आप बातों को रख सकते हैं जी। अगर कोई भी है तो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने कैमरा को ऑन करें और अपनी गवाही को हमारे बीच में आप रख सकते हैं, दूसरों के उत्साह के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप रख सकते हैं जी। मम्मी मम्मी यदि कोई भी अपना गवाही इस समय दो या तीन मिनट के बीच में रखना चाहेंगे इन कार्यक्रमों के द्वारा से कैसा आपके जीवन में परमेश्वर काम किया है,
तो थोड़े शब्दों में अपनी गवाही को रख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। जय मसीह की, जय मसीह की। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। भाई बोल रहे हैं, उनका पहले हो जाएगा तब। जी बोलिए ब्रदर। हाँ जय मसीह जी, जय मसीह। हम किरोत कुमार बोल रहे हैं जगन्नाथपुर से। अच्छा हाँ जी जी। हम हिंदू में से आए 1996। नहीं 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 सुनिए, किरोत किरोत भाई जी जी, आप ये कार्यक्रम में जो आशीष पाए उसको बोलिएगा। अच्छा, है ना जी जी। हाँ जी, पहले का गवाही सबको नहीं बताना है जी, सिर्फ इन कार्यक्रमों में जो आपने आशीष पाया है आप एक या दो मिनट के अंदर में रख सकते हैं, जिनके जीवन में गवाही हुआ है वही लोग रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। बोलिए सिस्टर, आप क्या बोल रही थी जी? ठीक है धन्यवाद। हाँ बोलिए, किसके जीवन में गवाही है बताइए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। हाँ प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मेरे भाई, मेरे भाई की वाइफ और मम्मी पापा सभी का सभी को कोरोना डिटेक्ट हुआ था और सभी लोग बहुत ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। खासतौर से मेरा जो मंझला भाई है जो मुझसे जस्ट छोटा है, वो बहुत ही ज्यादा उसको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो ना तो लेटने के बाद करवट भी नहीं ले पा रहा था, एक ही साइड होकर के सो पा रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत था उसको। जब मैं पहली बार सुनी थी, ऐसी शाम की सभा चल रही थी और मम्मी बीच में फोन करके बताई कि तुम्हारे भाई के लिए प्रेयर करो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है बोल करके, और मैं उसी समय सभा में प्रेयर पॉइंट रखी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रार्थना के बाद दूसरे दिन से ही मेरे भाई को रिकवर होना शुरू हुआ, उसका खांसी कम हुआ और कफ जो जम गया था उसके छाती में पूरी तरह से, वो दूसरे दिन शाम से वो रिकवर करने लगा, कफ निकलने लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो दूसरे दिन शाम के बाद से ठीक से सो पाया और हम लोग कंटिन्यू प्रेयर किए और खाना भी नहीं खा पा रहा था बीच में, लेकिन उस तीसरे दिन। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि घर के सभी लोग, सभी सदस्य अभी रिकवर कर रहे हैं, सिर्फ मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है महसूस कर रहा है, उसकी वाइफ रिकवर हो चुकी है, मम्मी और कुलदीप रिकवर हो चुके हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि इस सभा में दी हुई हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट के जो कुछ भी मैंने दिया उसके द्वारा परमेश्वर, जिनके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया उनके जीवन में परमेश्वर कार्य किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। फिर हमारी एक प्रेयर सेल में हमारी एक बच्ची है पूजा, वो बोकारो में रहती है, वो भी अकेले विश्वास करती थी, लेकिन अभी उसके पापा का जब तबीयत खराब हुआ था बहुत ज्यादा, तो उनके लिए भी हमने प्रेयर पॉइंट दिया था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस प्रेयर पॉइंट देने के बाद रात सुबह में ही उसके पापा को रिकवर होना शुरू किया, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, कुछ खा नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पूरी रीति से परमेश्वर उनको चंगा किया, वो अभी घर पे हैं, आराम से हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, इस बात के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अभी परसों दिन ही हम लोग एक और भाई के लिए हम लोग रिक्वेस्ट दिए थे और वो भी अभी रिकवर कर रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। इमानुएल तिर्की नाम है, कल ही मैंने उसका रिक्वेस्ट दिया था। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस सभा के द्वारा ना केवल हमारे जीवन में बल्कि हमसे जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन में उस आशीष को दे रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस प्रेयर फेलोशिप के लिए और इस झुंड के लिए जिसको परमेश्वर ने हम सबों के लिए खड़ा किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सो हम ताली बजा करके प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और भी अगर किसी के जीवन में अगर परमेश्वर ने गवाही दी है तो जरूर से अपनी गवाही को बताएंगे इन सभाओं के द्वारा से। हम लोग जो इवनिंग प्रेयर फेलोशिप कर रहे हैं प्रेयर टीम के माध्यम से, आप थोड़े शब्दों में अपनी गवाही को बता सकते हैं। जी वीडियो ऑन कर लीजिए और अपना नाम पहले बताइए, कहाँ से है बताइए।
हाँ सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मैं अमित मानगो से है दादा। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर ने इस कठिन दौर में मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ बोलिए बोलिए। धन्यवाद परमेश्वर ने इन दिनों मुझे मेरे परिवार को इस महामारी के द्वार पर सुरक्षित रखा है, संभाले रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा, सुप्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी अगर किसी के जीवन में कोई गवाही है इन कार्यक्रमों के द्वारा से परमेश्वर ने आशीष दी है आपके जीवन के अंदर में, और तो आप बता सकते हैं कोई भी। हाँ ओके, अगर गवाही नहीं है तो मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 40 और उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 40 और उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यनाश के गढ़े से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा किया, मेरे पैरों को दृढ़ किया। आमेन। सो हमारा परमेश्वर जो है दलदल की कीच में से निकालने वाला परमेश्वर है और चट्टान पर खड़ा करने वाला है। हालेलुया। और वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह में जब हम रहते हैं तो हम संसार में कुछ भी क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता, हमको संभाल लेता है, हमको खड़ा करने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। यदि आप भी ऐसे स्थान में खड़े हैं जहां पर आपको लग रहा होगा कि आपके पांव बस फिसलने पर हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मेरे पास में खुशखबरी है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। वो परमेश्वर जो है आपको दलदल की कीच में से निकाल करके चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, जहां पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। और राजा दाऊद कहता है कि जब मैं परमेश्वर के पास आया तो उसने पूरी रीति से मुझे निर्भय किया, मेरे डर को दूर किया। आज हो सकता है कि आपके अंदर में भय होगा, भविष्य को लेकर के, वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के आपके अंदर में डर होगा, लेकिन मेरे प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पास आ जाइए और कहिए कि प्रभु मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, आप ही मेरा भरोसा और मेरा विश्वास है। मुझे लोगों पर विश्वास नहीं, मुझे किसी चीज पर विश्वास नहीं, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। वो परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के डर को दूर करेगा, हर प्रकार के भय को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे लोगों, इस समय इस समय हम लोग एक और गवाही को हम लोग सुनेंगे और उसके बाद में हम लोग प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। प्रभु के दास थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, सो हम लोग गवाही सुनेंगे। मैं ममता तिर्की कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। Am I audible? Yes. प्रभु को धन्यवाद होए। दादा को याद होगा कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले, एक संडे का दिन था, और मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था सुदेश दा के नाम से, और उस रोज सुबह 7 बजे का आपका प्रेयर मीटिंग जो होता है वो संडे वाला सर्विस में मैं अटेंड की थी। तो जब आखिरी बिनती हो रहा था तो मैं भी बिनती कर रही थी, और उस बिनती के दौरान अचानक से एक स्पार्क हुआ मेरे अंदर, और 200% बड़ा विश्वास जगह तुरंत की ये लोग चुने हुए लोग हैं प्रभु के, इनको कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाए। बहुत स्ट्रांग फीलिंग आया था। और उसके बाद में टाइम लगा, काफी टाइम लगा, उस दौरान
जब वो हम लोग प्रेयर किए सबके साथ में, हमने प्रेयर किया, दादा से फिर बात भी हुई मैसेंजर के थ्रू, नेक्स्ट डे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उनको तीन जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह उनको ले जाया गया, और बहुत सीरियस कंडीशन था। हम लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन विश्वास कर रहे थे, स्पेशली मैं, कि नहीं परमेश्वर कुछ होने नहीं देंगे, और सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिए थे। और आज प्रभु का धन्यवाद हुआ कि वो पूरी तरह से कोरोना से स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं, और ना ही सिर्फ घर लौटे हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही हुई है, वो दर्शन पाए हैं, और बहुत जल्दी मैं उनसे बात करूंगी। अभी भी वो एक जूम मीटिंग में गवाही के लिए वो कहीं गवाही दे रहे हैं। कल मुझसे वो बात किए करीब एक घंटे तक, कि वो डेढ़ घंटे तक उनका जो परमेश्वर से जो कॉन्वर्सेशन हुआ उस दौरान, जब उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, उनका पल्स जो था वो 40 चला गया था। और मैं कोशिश करूंगी कि वो उस चीज को वो शेयर करें, व्हाट्सएप पे तो मेरे पास आ गया है, और बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि वो भी इस मीटिंग में आए और अपनी गवाही दे। अभी भी वो किसी जूम मीटिंग में गवाही दे रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद, राकेश दादा को धन्यवाद कि प्रार्थना में मेरे साथ सहभागिता किए, और इसीलिए हम लोगों को विश्वास और धीरज नहीं खोना है। धन्यवाद परमेश्वर को, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में हमारा परमेश्वर आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर है, वो कल आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है, वो नहीं बदला है। परिस्थितियां बदल जा रही हैं, लोग बदल जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल जा रही है, सब कुछ बदल जा रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो कल भी चंगा करता था, आज भी चंगा करता है, और कल भी चंगा करता रहेगा, क्योंकि वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, और आज वो हमारे बीच में उपस्थित है, और आज भी वो आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मुझे लगता है कि प्रभु के दास मीटिंग को ज्वाइन कर लिए हैं। सो हम लोग एक दुआ करके उनको आगे की सेवकाई को हम लोग देंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग जहाँ भी लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग एक अपेक्षा के साथ में, बड़े ही प्रार्थना के साथ में, हालेलुया, परमेश्वर के चरणों में आए। ओ, होने पाए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको जो है अपनी उपस्थिति से भर देने पाए। आज हर एक प्रकार की निराशा, चिंता और भय की बात के आपके जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया, शाबा रेखे थे मलाहान चोको बोशे के तेने मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दें, हर एक से बोलें और बातचीत करें। आपके दास जब आपके वचन की सेवकाई करते हैं प्रभु, उनके द्वारा से सबके जीवन को छुएं, हर एक से बोले और बातचीत करें। आज बंधने यीशु मसीह के नाम में तोड़ी जाएं, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, चाहे शैतानी बंधन हो, चाहे निराशा का बंधन हो, सब प्रकार का बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए। अपने दास को अपनी महिमा से भरें, अपने सामर्थ्य से भर करके उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल करें। उपस्थित सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा करके परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि परमेश्वर के आदरणीय दास पास्टर अजीत हो आज की शाम में हमारे साथ में है, और मैंने उनसे निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारे प्रेयर फेलोशिप में, जो प्रेयर फिल्म के द्वारा से आयोजित ये प्रेयर फेलोशिप है, इसमें आकर के परमेश्वर की वचन की सेवकाई करेंगे, तो बहुत ही हम लोग आशीषित होंगे। सो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और मैं बता दूँ प्रभु के दास को कि ये प्रेयर फ्लेम जो है प्रभु के दासों का, परमेश्वर के सेवकों का और अगुओं का और विश्वासियों का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोग हर महीने प्रार्थना के लिए हम लोग जुड़ते हैं। हालांकि ये जमशेदपुर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज देश के विभिन्न हिस्सों से लोग जुड़ करके इस प्रार्थना सभा के द्वारा से आशीषित हो रहे हैं। सो प्रभु के दास का हम लोग तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे पास्टर अजीत होरो का। प्रेज द लॉर्ड,
आपका बहुत बहुत स्वागत है पास्टर अजीत होरो और भाभी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं सिस्टर आराधना होरो का बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू सो मच भैया, आपने हमें हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज की शाम में आप हमारे बीच में आप दोनों जन आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। सो ओवर टू यू। हालेलुया, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं इस अच्छे समय के लिए। भाई राकेश के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन इससे पहले कि आरंभ करूं, आप मेरे भाई हैं और एक शब्द इस समय प्रभु देता है, एक वचन देता है जो कि मैं चाहता हूं आपके साथ, आपकी इस सहभागिता के साथ मैं शेयर करूं। और वो ये है, जो अच्छा काम तुमने आरंभ किया है उसे प्रभु अपने आने के समय तक स्थिर भी करेगा। हालेलुया, आपका प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। We really want to bless God for this wonderful time and from the state of Jharkhand and from so many states, all of people are here. So we want to welcome all of you in His mighty name. उसके नाम पर हम इस समय आप में से हर एक का स्वागत करते हैं। और आज की शाम हम ये आशा करते हैं कि वो प्रभु जो इतिहास का केंद्र है, जो इतिहास का केंद्र है, यदि परमेश्वर के वचन को देखें, He is the center, He is the director of the history. और आज मैं विश्वास करता हूँ वो हम में से भी हर एक के जीवन के इतिहासों को, जबकि उसने बदल दिया, हम क्या थे क्या बन गए। एक गीत में याद करता हूँ, कैसा था मैं कैसा बन गया, सारा इतिहास बदल गया। आज एक बार फिर से आइए उसी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें और एक बार फिर से हम उसके नाम की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि आज के वचन की ओर आगे चले, सबसे पहले चाहूंगा एक गीत में हम चले। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। क्या आप जानते हैं कि बहुत बार, अभी हाल में किसी ने मुझको कॉल किया, उसने कहा कि भैया बार बार रोते हैं, बार बार सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे आंसू व्यर्थ चले जाते हैं। दाऊद ने कहा, मैं अपना तकिया अपने आंसुओं से भिगोता हूं, मैं अपना तकिया अपने आंसुओं से भिगोता हूं। इस समय मैं धन्यवाद करता हूं, इस समय मैं स्वयं, मेरी पत्नी आराधना इस समय, और बेटा अभिजीत इस समय कीबोर्ड के अंदर वो रहेगा। हम इस समय उसके नाम की महिमा करेंगे। और बड़ी अच्छी बात उससे कही कि जिस दाऊद ने कहा मैं अपना तकिया आंसुओं से भिगाता हूं, उसी दाऊद को ऐसा लगता है कि आत्मा में उसने रियलाइज कर लिया कि मैं आंसुओं को तकिए अपने आंसुओं से मैं तकिया भिगाता हूं, ऐसा नहीं, वो तकिए में सूख नहीं जाते। लेकिन उसने धीरे से रियलाइज किया, उसने कहा ये मेरे तकिए में जाकर के जज्ब नहीं हो जाते, वो परमेश्वर की कुप्पी रहते हैं। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। देयर इज अ वंडरफुल सॉन्ग, इस गीत में चलेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए वर्शिप में चलेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। हाथों को उठा करके हम उसके नाम की आराधना कर सकते हैं, अपने हाथों को उठाएं। हाँ, मैं परमेश्वर के वचन को याद करता हूँ, वो ध्यान के साथ सुनेंगे मेरे प्रियो। अति धीमा क्रोध में, अति धीमा विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणा निधान है। हालेलुया, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। आइए समय आगे चलेंगे। करुणा ने थी तारण हारे, चमत्कार करने वाले, करुणा ने थी तारण हारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। एक घटना मुझको याद आती है मेरे को, एक घटना मुझको याद आती है, वो ये कि वो अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा यीशु मसीह दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने उससे एक बात पूछी,
हमारे प्रभु ने एक बार पूछी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये कहावत आपको याद होगी, एक अंधा क्या चाहे, दो आंखें। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम कि ये व्यक्ति क्यों मेरे पास आया है? लेकिन मेरे प्रियो, बहुत बार वो चाहता है, जानने के बाद भी हम अपनी आवश्यकताओं को मुंह खोल करके उसके सम्मुख रखें। हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में उससे बातचीत करें। उसने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। अतः उसने कहा, मेरी मर्जी है कि तुम इसी समय चंगे हो। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी शिफा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये कह कर दे दी शिफा। स्वामी ये कह कर दे दी शिफा, स्वामी ये कह कर दे दी शिफा। वाले मेरे ना सुनिहारने वाले, चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारण हारे, चमत्कार करने वाले कारण हारे, चमत्कार करने वाले सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले मेरे ना सुनिहारने वाले, चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आइए इस समय कहेंगे, यू आर हाई एंड यू आर लिफ्टेड अप। इस समय मैं याद करता हूं मेरे प्रियो आरिफ यूहन्ना, यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है। He was there in the island of Patmos, अकेला उस टापू के अंदर, उसको अकेलेपन में मरने के छोड़ दिया गया था। लेकिन मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। जब वो अकेलेपन से घिर गया, सारी आशाएं जबकि जाती रही, उसको मरने के लिए उस टापू में छोड़ दिया गया था, लेकिन आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। उसी पद्मस टापू के अकेलेपन में वो लिखता है, और प्रभु के दिन में आत्मा में आया, और प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। मैंने महाराजा थिराज को अति ऊंचे पर विराजमान देखा, मैंने उसके सिंहासन को देखा। मेरे प्रियो, आज के दिन कहना चाहता हूं, क्या बीमारियां, क्या अकेलापन, क्या जीवन की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर इस प्रकार से हैं कि आज आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आइए कहें। अकेलेपन में ही उसने राजाओं के राजा को देखा, अकेलेपन में ही उसने आत्मा से भर कर महाराजा धीराज को देखा। आइए इस समय एक साथ कहें, यू आर हाई एंड set my steel
करते हैं प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा, हमारे प्यारे खुदावंद। आइए इस समय, मैं इस समय याद करता हूँ राकेश भाई ने अभी अभी भजन संहिता से एक पद को कोट किया था, वो हमें दलदल में से खींच कर चट्टान में खड़ा करता है। आइए उसके नाम का धन्यवाद करते हुए इस समय कहेंगे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यनाश के गढ़े से मुझे निकाला, दलदल के बीच से मुझे उबारा, हालेलुया हालेलुया। सत्यनाश के गढ़े से मुझे निकाला, दलदल के बीच से मुझे उबारा, मेरे पांव को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए, और अब समय होगा कि हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर चलें, एंड लेट अस सी व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ गॉड टू स्पीक टू अस दिस इवनिंग। सबसे पहले राकेश भाई और इस पूरी आपकी संगति का मैं इस समय हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, एंड थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी कि इतने दूर होते हुए भी हम बहुत पास हैं, and we can feel just like a family. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं समय के लिए मेरे प्रियो, और आइए समय थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और थोड़ा ही समय ध्यान देंगे कि प्रभु आज के दिन हमें से हर एक के साथ क्या कहना चाहता है। तो यीशु मसीह के महिमान्वित नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति बहुत आयत के साथ मिलती रहे मेरे प्रियो। हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, और आज कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार फिर से हम महामारी का तांडव देख रहे हैं, इस बार की लहर इतनी विनाशकारी है कि ये सब हम सुन और देख रहे हैं। इस समय कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बार बार महामारी की चर्चा करना भी अच्छी बात नहीं है, जितना अधिक हम चर्चा करते हैं उतना ही अधिक हम उसे एक्नॉलेज करते हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें से हर एक को प्रभु आज के दिन बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज के दिन कहना चाहता हूं सिंपली इतना कहना चाहता हूं, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि आपका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। मैं एक बात को जानता हूं मेरे प्रियो, लिखा है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। ये जो महामारी है, इस समय चारों ओर जो महामारी का तांडव, इसका प्रकोप जो हम देख रहे हैं, गली गली के अंदर मृत्यु इस समय सड़कों पर जबकि दौड़ रही है मेरे प्रियो, आज के दिन कहना चाहता हूं कि अगर ध्यान के साथ देखें इस बीमारी की कोई इलाज, इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक तो है नहीं, तो मैं ये जानता हूं कौन सी ऐसी चीज है जो मुझको और एक बार संभाल सकती है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। और मेरे प्रियो आज के दिन मैं धन्यवाद करता हूं सामान्य आत्मा से नहीं, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस आत्मा के अंदर उसने अपनी पवित्र आत्मा का भी बहुत बड़ा हिस्सा हम में से हर एक को दिया है। और आज के दिन मैं कह सकता हूं उस आत्मा के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा मैं रोग में भी संभलूंगा। हालेलुया। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे मेरे प्रियो, अब आज के वचन की ओर मैं इसमें थोड़ी देर के लिए आना चाहता हूं। इन दिनों का अपना एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और अनुभव यह है कि एक अखबार के शीर्षक ने इस बार मुझको झकझोर दिया। शीर्षक था कोरोना की लहर से लाशों की सुनामी। सुनामी तो आप जानते हैं क्या है ना। मेरे मन में एक पीड़ा सी उठी
बहुत बड़ी पीड़ा सी उठी कि न्यूज आइटम क्या बोल रहा है, कोरोना की लहर से लाशों की सुनामी। मेरे मन में पीड़ा सी उठी, जो हो रहा है वो तो सारे संसार में हो रहा है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में मैं एक बात को सोचने लगा मेरे प्रियो, हम विश्वासियों की, हम जो इस बात का दावा करते हैं कि उसके लहू के द्वारा हम खरीद लिए गए, हम बचा लिए गए, हम उद्धार का दावा करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, ऐसी परिस्थितियों में हमारा रोल क्या है? What is our role in this circumstances? मैं रखूंगा मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा। क्या सिर्फ इतना हमारा रोल क्या है? क्या सिर्फ इतना कि हम समाचार सुने जैसा कि और लोग सुन रहे हैं, लगाना मत भूलिए, क्या बस इतना ही? अरे इतना तो हर कोई कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल आर डूइंग द सेम, सो व्हाट वी आर डूइंग एक्स्ट्रा, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। आप कहेंगे कि ब्रदर हम तो दुआ कर रहे हैं, अरे तो दुआ कौन नहीं कर रहा है, दुआ तो हर कोई कर रहा है, कोई जाने से कोई अनजाने से दुआ तो है 17:18 अगर आप बाइबल निकाल लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, इस समय देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में यहां पर हम एक वर्णन पाते हैं। जी इस समय पढ़ेंगे इसको, परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, एलिया भी तो हमारे समान एक सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे और साढ़े तीन वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है एलिया भी हमारी तरह एक ऑर्डिनरी एक नॉर्मल सुख दुख भोगी मनुष्य था। ध्यान के साथ सुनिएगा, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। बाइबल इज एक्नॉलेजिंग दिस, इस बात को परमेश्वर का वचन स्वीकार करता है, ही वॉज एज ऑर्डिनरी एज वी आर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेह ना बरसे तो क्या हुआ, साढ़े तीन साल तक मेह नहीं बरसा। और आगे लिखा है, और फिर जब उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई आज मैं इस बात पर थोड़ी देर के आना चाहता हूं, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, आइए इस पद का विश्लेषण करें, लेट अस हैव अ वेरी डीप एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्स। अगर ध्यान पूर्वक आप इस वर्ष पर विचार करें तो आपको एक बात का पता चलेगा, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आती है। पहली बात, एलिया कोई असाधारण अलौकिक व्यक्ति नहीं था, वो भी हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। दूसरी बात, यद्यपि वो हमारे ही समान मनुष्य था तो भी जब उसने प्रार्थना की, दोबारा सुनेंगे, यद्यपि वो हमारे ही समान साधारण मनुष्य था लेकिन तो भी जब उसने प्रार्थना की तो एक साधारण मनुष्य की प्रार्थना से असाधारण कार्य हुआ। उसकी प्रार्थना ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में ले लिया मेरे प्रियो। इस समय ध्यान के साथ सुनेंगे, एक घटना और हम यहां पर देखेंगे, गिनती 16 उसका 47 और 48 वचन उसमें इस प्रकार से कहता है, जब हारून मूसा की आज्ञा के अनुसार धूप दान देकर मंडली के बीच दौड़ गया और धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। यहां पर एक सिचुएशन है मेरे प्रियो, इसराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, और यहां पर दिखाई पड़ता है मेरे प्रियो, द गॉड इज आफ्टर देम टू किल। उसके क्रोध की ज्वाला भभक उठी और उसने मूसा और हारून को बोला, मेरे सामने से हट जाओ, आई वॉन्ट टू किल देम बिकॉज दे हैव रेबेल्ड, इन लोगों ने मेरे वचन के विरोध में, इन्होंने मेरे विरोध में पाप किया है। और लिखा है, जब ये सिचुएशन आई, उस समय की सिचुएशन को हम पढ़ रहे हैं, जब ये सिचुएशन आई तब जब हारून मूसा की आज्ञा के अनुसार धूप दान लेकर मंडली के बीच दौड़ गया और धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दे और जीवित के मध्य खड़ा हुआ तब मरी थम गई एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट द पेंडेमिक, द वर्ड ऑफ गॉड यूजेस दिस वर्ड प्लेग, एंड द प्लेग केम टू एन हॉल्ट। यहां पर एक बात और दिखाई पड़ती है मेरे प्रियो, ध्यान के साथ यहां पर सुनेंगे, बहुत ध्यान के साथ सुनेंगे, एलिया के जीवन के अंदर एक बात को हमने देखी, येट ही वाज सो सिंपल
yet he was so ordinary man. But when he prayed, there was something happened and that was extraordinary. और यहाँ भी देखते हैं मेरे प्रियो, हारून मूसा की आज्ञा के अनुसार जब मंडली के बीच में दौड़ा गया और जब उसने प्रायश्चित किया और जब मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हो गया तब मरी थम गई। मेरे प्रियो यहाँ पर एक पद को और सुनेंगे, गिनती 16 उसका 50। जी फिर से वचन फिर से कहता है, जब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। और मरी थम गई, हालेलुया, मरी थम गई। मेरे प्रियो यदि आप इस अध्याय का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मार डालने के लिए ठान लिया था। यहोवा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो बलवा करने वालों को मार डालेगा। यदि आप गिनती 16 उसका 20 और 21 को पढ़ें तो इस बात का पता चलेगा। यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, तुम उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं पल भर में उन्हें भस्म कर कि मैं पल भर में उन्हें भस्म कर डालूं। दैट इज द बैकग्राउंड। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं, जबकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को ठान लिया था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अंदर इस बात को रखा था, मैं इनको जीने नहीं दूंगा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। लेकिन यहाँ पर एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो, मूसा और हारून के बीच में आने की वजह से, द ह्यूमन एफर्ट, मूसा और हारून के बीच में आने की वजह से ये महामारी थम गई। मेरे प्रियो अब थोड़ा ध्यान के साथ सुनिएगा, परमेश्वर आपको बहुत तायद के साथ इस समय आशीष दे। और इसी संदर्भ में आज मैं बात कर रहा हूं, जब ये महामारी का माहौल है, एक बड़ी अच्छी बात इस समय पढ़ी गई कि तब हारून मुर्दों और जीवितों के बीच में खड़ा हुआ, और जब वो खड़ा हुआ तो लिखा है कि महामारी थम गई। मेरे प्रियो आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं, भाई राकेश इस समय आपकी सेवा को हम यहां से आशीष देते हैं दिल्ली से, इस समय आप में से हर एक की संगति को हम इस समय आशीष देते हैं। और इस समय एक बात मैं कहना चाहता हूं, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज राइट नाउ आस्किंग फॉर वन थिंग, कौन है जो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा होकर के मध्यस्थता की प्रार्थना के साथ मुझसे प्रार्थना करे, और मैं परमेश्वर नहीं बदलता। आज इस बात को हम सुन रहे थे मेरे प्रियो, भाई राकेश ने इस बात को आज बोला था, परमेश्वर नहीं बदलता, आज और कल और युगानी युग वो एक सा है। यदि वो उन दिनों मरी को थाम सकता था तो आज भी वो मरी को थामने वाला परमेश्वर है, यदि उन दिनों वो किसी काम को कर सकता था आज भी, आज कल और अबद तक यीशु मसीह और परमेश्वर एक सा है। और आज के दिन हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो जिसके बारे में आज हमने वचन के पढ़ा, जब मूसा और हारून मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़े हुए। इज देयर एनीवन इन जमशेदपुर, इज देयर एनीवन इन दिल्ली? स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज कॉलिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स दिस इवनिंग। ओ परमेश्वर की आत्मा, वहां पर दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, उस गीत को याद कीजिएगा मेरे प्रियो, हाहाकार है चारों। लेकिन मैं इस समय उस बात को याद करता हूं मेरे प्रियो, बड़ी अजीब सी बात है कि हारून दौड़ दौड़ करके लोगों के बीच में जा रहा होगा, लोगों के बीच में जा रहा होगा, प्रायश्चित करो क्योंकि परमेश्वर इस समय अपनी चंगाई को तुम्हारे बीच में भेजेगा। मेरे प्रियो एक घटना और इस समय पढ़ेंगे और उस समय उसके बाद हम आज के इसके एनालिसिस के अंदर जाएंगे। जी हाँ, एक घटना मुझको और याद आती है, भयंकर विषैले सांपों के काटने से जब महामारी फैल गई तो मूसा ने सिर्फ पीतल का एक सांप बनाकर लटका दिया। और लिखा है गिनती 21 उसके 9 में, वचन इस प्रकार से कहता है, सो जिस जिसने उस टंगे हुए सांप को देखा, सो जिस जिसने, उसका मतलब बहुत लोगों ने नहीं देखा, बहुत लोग थेथर थे वहां पर, बेशर्म थे बहुत सारे, जिस जिसने उस टंगे हुए सांप को देखा वह बच गया, वो बच गया। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, और वचन में नहीं लिखा है लेकिन मुझको ऐसा लगता है, मुझको ऐसा लगता है वचन में नहीं लिखा है लेकिन मुझको विश्वास है, यहाँ एक दिल को छू लेने वाला दृश्य रहा होगा। मूसा और हारून परमेश्वर की प्रजा को प्यार करते थे मेरे प्रियो, और मुझको ऐसा लगता है वे मरते हुए लोगों के पास दौड़ दौड़ करके जा रहे होंगे और चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे होंगे, बस एक नजर उठा के देख लो, जस्ट हैव ए लुक, जस्ट हैव ए लुक, यू आर डाइंग। लेकिन इस समय यदि मुड़ करके एक बार देख लो, अगर एक बार देख लो तो तुम बच जाओगे मेरे प्रियो। इस समय एक बात को मैं याद करता हूं मेरे प्रियो, देयर इज समथिंग वंडरफुल, ध्यान के साथ देखेंगे मेरे प्रियो। ये तीनों जगह वी टॉक वी सी अबाउट द पेंडेमिक, दो जगह पर हम पेंडेमिक देखते हैं और एक जगह हम देखते हैं कि वर्षा नहीं हो रही है। ऑल आर द नेचुरल कैलमिटीज, ये सारी बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदाएं हैं, चाहे मनुष्य के कारण हुई हो चाहे जो कुछ हुआ, बट वी सी द प्लेग, वी सी द स्टॉर्म, वी सी द फैमिन, अकाल को हम देखते हैं मेरे प्रियो।
अभी जब इन सारी बातों को हमने पढ़ा तो क्या समझ में आया कि साधारण लोग भी जब वो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए, जब वो परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दे मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर के सामने जब वो प्रायश्चित कराएं, तो मैं इतना जानता हूं परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल सकता है। बहुत प्रकार का आजकल आप ये प्रचार सुनेंगे, अरे जब खुदा ने अलाउ किया तो क्या करें, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर बहुत बार अपनी इच्छा को भी बदलता है। और आप यदि पूछेंगे अजीत भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं इस समय कहना चाहता हूं लिखा है जब योना ने प्रचार किया, उसके बाद आगे यदि आप उसी पुस्तक में जाए तो लिखा है जब यहोवा ने देखा कि लोग अपने अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं और अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, तो यहोवा ने उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया और उसने अपनी इच्छा बदल दी। Our prayers, my dear friends, can move the heart of the God. Amen. True. इस समय एक वचन को और पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आपको इस समय लगेगा मेरे प्रियो, यहेजकेल 22 और उसका 30। जी। परमेश्वर कहता है मैंने उनमें से एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। जमशेदपुर से ढूंढ रहा है, रांची से ढूंढ रहा है, जिन अलग अलग जगहों पर आप सुन रहे हैं वहां से वो ढूंढ रहा है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज हॉवरिंग ओवर द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ, और वो इस समय उन लोगों को ढूंढ रहा है, उनमें से मैंने कोई ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में और मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, हाँ, कि मुझे उन्हें नाश ना करना पड़े लेकिन क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा कोई ना मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। आई डिड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पर्सन। गाने वालों की आवाजें बहुत हैं, सोशल प्लेटफॉर्म सारी चीजें आजकल बिल्कुल भरी पड़ी हैं, लेकिन क्या ये वचन आज मेरे आपके लिए, मेरे आपके लिए काम करेगा कि मैंने बहुत लोगों को ढूंढना चाहा लेकिन मुझे कोई ना मिला। मैं ढूंढ रहा हूं कि जीवितों और मृतकों के बीच में कोई आकर के खड़ा हो जाए। मेरे प्रियो आइए अब हम थोड़ा सा आज के पद की ओर अब हम चलेंगे, और इस समय वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज टुडे। आइए देखेंगे मेरे प्रियो, लेकिन दो बातें बड़ी साफ हो गई है ना। नंबर वन, मनुष्य भी यदि ह्यूमन इंटरवेंशन हो, आपने देखा होगा कि पीतल का सांप बनाया और उसको टांग दिया, अरे इज इट दैट इजी? अगर परमेश्वर चाहता बोल करके महामारी को रोक नहीं सकता था क्या? गॉड कुड हैव स्टॉप्ड। 2 मिनट में बन गया होगा पीतल का सांप। नो, पीतल को पिघलाओ, सांचा बनाओ, उसमें डालो, सांप का सांचा होगा वहां पर डालोगे, सांप जब बन जाएगा सांचे को खोलो, अब ठंडा होगा। उतने टाइम में तो कितने लोग मर गए। अब ठंडा होगा, उसके जब पीतल का सांप बन जाएगा तब उसको टांग। एक सवाल मैं यहां पर पूछना चाहता हूं, क्या आवश्यकता थी कि परमेश्वर मूसा को बोले तुम इतना अधिक नाटक करो, इतना ड्रामा करो, क्या उसका फायदा? उतने में तो बहुत लोग मर गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गॉड वॉन्ट्स द ह्यूमन इंटरवेंशन, कि मनुष्य खड़ा होकर के लोगों के लिए प्रायश्चित की दुआ करे और मनुष्य खड़ा होकर के कहे खुदावंद इस समय मैंने नहीं, ध्यान के साथ सुनिएगा, मनुष्य खड़ा होकर के कहे खुदावंद इस समय उसने नहीं फलाना ने नहीं फलानी ने नहीं, लेकिन हमने पाप किया है। और हे यहोवा इस समय हमारे पापों पर दृष्टि ना कर, लेकिन अपनी कौम के ऊपर तू इस समय तरस खा। और परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष देगा मेरे प्रियो। एक घटना मैं याद करता हूं मेरे प्रियो, उस घटना से पहले आज हम एक बार फिर से इसी वर्ष को देखेंगे, याकूब 5 उसका 17-18 और एक बार पढ़ देंगे। जी, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आइए अब हम एलिया के जीवन पर विचार करेंगे कि साधारण और हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य होने के बावजूद उसके जीवन में क्या विशेष बात थी जिसके कारण परमेश्वर ने उसे असाधारण रूप से इस्तेमाल किया। वी आर गोइंग टू सी दैट। दूसरे शब्दों में हम एलिया के जीवन से क्या क्या सीख सकते हैं ताकि परमेश्वर हमें आज की विकट परिस्थिति में अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल करे। सवाल है, क्या इस महामारी की स्थिति में वो मुझको यूज कर सकता है? क्या वो आपको यूज कर सकता है जिसके द्वारा हमारे देश का, इस पूरे संसार का भला हो? आइए देखेंगे एलिया के जीवन की सबसे पहली विशेषता।
और ये हमको मिलता है पहला राजा उसका 17 उसका 5 6 जी पहला राजा 17 और उसका 5 6 पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करित नामक नाले के में जाकर जा छिपा रहा। हाँ। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। यहाँ पर रुक जाएंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर दिखाई पड़ता है मेरे प्रियो, जबकि उसको परमेश्वर ने कहा अब तू यहाँ से जा और तू करीत के नाले में जाकर के छिप जा, अगर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने भेजा उसने कोई बहस नहीं की। करीत का नाला एक सुनसान जगह पर था, वहां कोई आबादी नहीं थी, वहां रहने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, वहां कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा कि कोई सोचे कि मेरा जीवन चल जाएगा। नो एनी रिसोर्सेस विद देयर, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। लेकिन एलिया ने कोई बहस नहीं की, उसने अपनी मानवीय बुद्धि नहीं लगाई, उसने परमेश्वर को यह नहीं कहा कि पहले तू मुझे समझा वहां मेरा जीवन चलेगा कैसे, हाउ विल आई सर्वाइव। ही डिड नॉट आस्क गॉड, वो बिना शर्त के वहां जाने के तैयार हो गया जहां परमेश्वर उसे भेज रहा था। और उसको एक बात का विश्वास था मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा तो उसने विश्वास किया। बेशक करीत के नाले में इंसानी तौर पर कोई साधन नहीं था, लेकिन वहां से वो जानता था वहां से मेरे जीवन की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के भंडार से मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, उसके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। He was completely dependent on God. अगर प्रभु तू जिस बात को कहे मैं पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता हूं, कोई बहस नहीं, कोई और बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू मुझको कहेगा मैं करने की तैयार हूं। अब मेरे प्रियो इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा कि परमेश्वर उन लोगों को असाधारण रूप से इस्तेमाल करता है जो उसकी आज्ञाओं को बिना किसी हील हवाले के, आज के दिन कहना चाहूंगा बिना किसी बहस के, जो उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं। मेरे प्रियो आगे पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे, पहला राजा 17:7। जी हाँ, उसने वचन इस प्रकार से कहता है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हाँ, नाला सूख गया, यहाँ पर दिखाई पड़ता है मेरे प्रियो, सांसारिक रूप से जो नाला था वो भी सूख गया, उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, नाला सूख गया होगा लेकिन परमेश्वर का स्रोत नहीं सूखा था। इस वचन को मैं इस समय याद करता हूं मेरे प्रियो, नीति वचन 3:5 कि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर उनको असाधारण रूप से इस्तेमाल करता है जो उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। मुझको एक कहानी याद आती है मेरे प्रियो, एक बुढ़िया रास्ते में बहुत बड़ी गठरी लेके जा रही थी और एक गाड़ीवान भी जा रहा था बैलगाड़ी पर। उसने जब बुढ़िया को देखा तो उसको बड़ा तरस आया, उसने कहा माताजी आप इतना बोझ उठा के चल रही हैं, गाड़ी में बैठ जाइए। वो बैठ गई, गाड़ी चल दी। थोड़ी देर बाद गाड़ीवान ने जब मुड़ के देखा तो उसने ये देखा कि उसने गठरी को अपने सर पर ही रखा हुआ है ना, गठरी को उसने अपने सर के ऊपर ही रखा हुआ है। तो उसने पूछा कि माताजी आपने इसको नीचे नहीं रखा? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कीमती चीजें हैं, इसको मैं नीचे रख नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जब हमने अपना बोझ उसके ऊपर डाल दिया है तो आइए पूरी तरह से हम अपने बोझ को उसके ऊपर डालें। हालेलुया। आगे देखेंगे मेरे प्रियो, दूसरी बात, एलिया के जीवन की और एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और वो ये है, ध्यान के साथ इस समय देखेंगे मेरे प्रियो, पहला राजा 18:36। जी, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, मेरे प्रिय। हाँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं,
ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय। एलिया के जीवन में एक बहुत बड़ी विशेषता थी, ही वॉज ए वेरी बोल्ड प्रेयर वॉरियर। ही प्रेयर्ड विद अ ग्रेट बोल्डनेस, बहुत बड़ी बोल्डनेस के साथ उसने प्रार्थना की। मेरे प्रिय यदि परमेश्वर के वचन को देखें तो आपको पता चलेगा जब भी उसने प्रार्थना की उसने बड़े हियाव या कॉन्फिडेंस का परिचय दिया। उसकी प्रार्थना में कोई संकोच दिखाई नहीं पड़ता है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं प्रार्थना करूंगा और यदि वैसा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। एक बार फिर से इसी प्रार्थना को पढ़ेंगे। जी हाँ, हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। आज तू प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। He was wanting to have two confirmation. Confirmation number one, that you are the only God. And confirmation number two, that I am your servant. दो बात को यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर एक सीन है मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा। 300 से भी अधिक बाल के आराधक वहां पर थे। उसके सामने उसको गवाही देनी थी, उसको यह सिद्ध करना था कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। बाल के आराधक जब कुछ नहीं कर सके, ध्यान के साथ सुनिएगा, तो एलिया ने यह प्रार्थना की। और एलिया ने प्रार्थना करके वहां पर कहा, हे परमेश्वर अब इस बात को सिद्ध कर। वहां पर ही स्टार्टेड कोटिंग हियर। तो अब्राहम और इसहाक और इसराइल का परमेश्वर है मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा। बाल के आराधक वहां पर बहुत बड़ी संख्या में थे, उनके बीच में विश्वास की ऐसी प्रार्थना करना आसान नहीं था। वो सोच सकता था कि यदि परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया तो क्या होगा, कहीं हंसी और अपमान का कारण ना बन जाऊं मैं, लोग कहीं हंसने ना लगे। लेकिन मेरे पियो, एलिया के जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी, सुनिएगा ध्यान के साथ, कि उसने प्रार्थना करने में कोई संकोच नहीं किया। और इसीलिए जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को, उसके दृढ़ कॉन्फिडेंस को देखते हुए उसने उसका आदर किया और स्वर्ग से अग्नि भेजकर उसने उसकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आधे दिल से, संकोच के साथ, दुविधा से भरी हुई प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है, वो उसको पसंद नहीं करता। हाँ प्रभु, अगर हो सकता है तो हो जाए, नहीं हो सकता है तो ना हो, ऐसा नहीं। मैं घटना को याद करता हूँ। पहली बार जब मैं असम गया, असम की मीटिंग में, और ये हिजुगुड़ी के अंदर एक मीटिंग थी, और पहली बार, आई थिंक इट वाज 2002 शायद। तो जब वहां पर गया और वहां जाने के बाद ओके, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, दादा हैं, गुड। मीटिंग में जब आया तो एक अजीब सा सीन मैंने देखा, और सीन ये देखा कि एक ऐसा बाड़ा है, बहुत बड़ा सा एक बाड़ा है, और बाड़े के अंदर कुछ लोग। तो मैंने पास्टर साहब को बुलाया और मैंने धीरे से पूछा कि वो बाड़ा क्यों है, क्या है वहां पर। उसने कहा, भैया वहां पर सारे अंधे, लंगड़े और टीबी वाले और कैंसर वाले और सारे बीमार लोग वहां पर हैं। अच्छा, मेरे छक्के छूट गए, है ना, बिल्कुल एकदम नई बात थी, मन की बात में इसे मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत मुझको भय हुआ। मैंने कहा, भैया बैठा देते कहीं पर भी, वो अलग से एक बाड़ा बनाने का क्या मतलब, वो तो दिखता है ना। फिर आप मुझको बोलोगे प्रार्थना करो, ठीक ना हुआ तो क्या होगा। दिल्ली से आए हैं भाई अजीत होरो, है ना, अगर कोई ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा, भैया इसको हटा देना। उसने कहा, नहीं भैया यही पर रखा है, ऐसी रहेगा। मीटिंग समाप्त हुई है, मैंने एक जनरल प्रार्थना कर दी, और मैंने कहा, ओके सभा आप समाप्त होती है। पास्टर साहब ने कहा, लेकिन बीमार लोग तो हैं। बीमार लोग तो है ना, अब चलिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए। अब क्योंकि कहा गया था, मैंने कहा ठीक है। मैं गया माइक लेकर के, मेरी ओर देखेगा, माइक लेकर के यूं करके गया, ऐसे करके धीरे से, और सामने ही एक दृष्टिहीन व्यक्ति, अंधा बोलना उतना नहीं अच्छा लगता है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। मैंने उसके कान में धीरे से बोला, मैंने कहा, प्रभु चाहता है कि आप ठीक हो जाए, अगर आपका विश्वास है तो आप हो सकते हैं। और ऐसा बोल करके मैं जाने लगा मेरे पियर। उतनी देर में एकदम बहुत जोर से आवाजें हालेलुया। और जब मैंने मुड़ के देखा तो मैंने ये देखा कि उस अंधे व्यक्ति को पहली बार मैंने इस सीन को अपनी आंखों से देखा था। That was the first time I saw a blind person being healed, जिसके आई बॉल्स नहीं थे मेरे पियो। और वो जब देखने लगा, सारी भीड़ उस समय बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच गई मेरे पियो। और उस समय मैंने एक बात को कहा, खुदाबंद मैं एक बात को जानता हूं, जबकि मेरा विश्वास वैसा नहीं था, तूने आज के दिन अपनी करुणा को भेजकर तूने इस व्यक्ति को चंगा किया है। और मेरे पियो आगे की बात सुनिएगा, उसके बाद तो जब विश्वास के साथ जब प्रार्थना हुई, मैं ये नहीं कहूंगा जब भाई अजीत होरो ने प्रार्थना की, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जब प्रार्थना हुई मेरे प्रियो, जब विश्वास के साथ हुई, खुदाबंद इस समय बहुत सारे बीमार लोग यहां पर बैठे हैं, आज तू इस बात को बता
तू ही एक सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगाई है। आमीन। जब ये प्रार्थना हुई मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत से लोग वहां पर उसी समय चंगे हो गए। मेरे प्रियो, मैं इस समय आनंद के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, एलिया एक साधारण व्यक्ति है, मैं और आप भी एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन जब हम दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते, जब हम संकोच नहीं करते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जब हम संकोच के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा नहीं मिलता। लेकिन जब हम ये कहें मेरे प्रियो, आपका बहुत समय में अभी नहीं और मैं नहीं लूंगा, जब हम ये कहें मेरे प्रियो कि खुदावन आज तू बता कि तू ही परमेश्वर है, आज तू बता कि तू ही परमेश्वर है और आज तू अपनी सामर्थ्य को लोगों के बीच में प्रकट कर, मेरे प्रियो, जब हम बिना संकोच के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो जो दूसरा पॉइंट था वो ये था, ही वॉज वेरी बोल्ड इन प्रेयर। बहुत बार हम लोग बोल्ड नहीं होते, बहुत बार हम सोचते हैं ठीक है दाहिना बायां करके है ना कट मार के निकल ले, नो, हमको पूरे विश्वास के साथ हमको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तू इस बात को पूरा कर। अब मैं जानता हूं कि परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन के अंदर इस कार्य को करेगा। तीसरी बात, एक पद और हम देखेंगे, पहला राजा 18 उसका 37। जी हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। यहां पर और एक बार सुनेंगे, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही विचार करने योग्य पद है, गौर कीजिएगा, एलिया की प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना सुन और उत्तर दे ताकि लोग ये ना जान लें कि मैं बहुत बड़ा दास हूं, मैं बहुत बड़ा प्रभु का महान दास, नो, ताकि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, सो दैट द पीपल मे नो दैट यू आर अ वंडरफुल गॉड। हम बहुत बार शब्दों के अंदर कई बार ये करते हैं कि हाँ अभी हमारे सामने एक प्रभु के महान दास आए, मुझको ऐसा लगता है बोलना चाहिए हमारे पास इस समय महान प्रभु के दास आए, ऐसा बोलना ज्यादा अच्छा है ना। ओके, अब तो आगे चलते हैं, अच्छा लगेगा इस समय थोड़ा सा देखिएगा। एंड ही हैड अ ग्रेट बर्डन, ही हैड अ वेरी ग्रेट बर्डन दैट लॉर्ड लेट द पीपल नो दैट यू आर गॉड, कि तू ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा, एलिया का उद्देश्य था यहां पर कि लोग परमेश्वर को जान जाए, एलिया का उद्देश्य था परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रार्थना में यह भाव बिल्कुल नहीं है कि लोग मुझको जान जाए, मेरी महिमा हो जाए, मेरी महिमा बहुत बड़ी हो जाए, नो, एलिया के अंदर यह बोझ था कि लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की महिमा हो। मुझे यूहन्ना की दीनता से भरी प्रार्थना याद आती है जो लिखा है यूहन्ना 3 उसके 30 के अंदर। जी अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो मेरे प्रियो, यहां पर आपने गौर किया होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हे यहोवा प्रार्थना सुन और उत्तर दे ताकि लोग जान ले कि मैं नहीं लेकिन तू ही परमेश्वर है। व्हेन वी गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इस समय की असाधारण परिस्थितियों के अंदर हमें इस बात को एनालाइज करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, एनालाइज करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, एक बात और यहां पर देखेंगे मेरे प्रियो, अब अंतिम बात में हम आएंगे, और अंतिम बात एक और है यहां पर, इस समय देखेंगे एलिया के अंदर एक बड़ी विशेष बात थी। जी हाँ, पहला राजा 18 उसका 41 से 43 तक। जी फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। हाँ। और उसने अपने सेवक से कहा, हाँ। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। हाँ, अगर आप लोग सब बाइबल खोल लेंगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग पैसेज, तो हमको रेफरेंस के लिए बार बार इसको देखना पड़ेगा, और एक बार पढ़ देंगे। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। हाँ। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया।
और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर सात बार जा, फिर सात बार जा। सातवीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। छोटा बादल उठ रहा है, जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर सुनेंगे ध्यान के साथ। ये बड़ी गंभीर बात है, अंतिम पद है। जरा सोचिए, राजा को उसने बोल दिया था कि वर्षा की आहट सुनाई पड़ती, लेकिन वर्षा का कोई नाम नहीं था, बादल भी नहीं थे। राजा को बिना किसी चिन्ह के इतनी बड़ी बात बोल देना कोई आसान बात नहीं थी मेरे प्रियो। इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग कि राजा को बिना किसी चिन्ह के वो बोल दे, लेकिन उसने विश्वास से वर्षा होने की बात कही। सुनिएगा मेरे प्रियो, थोड़ी देर के बाद उसने अपने सेवक को भेजा कि बादल दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता। सेवक गया, कोई अच्छा समाचार लेकर के नहीं आया। सेवक ने क्या बोला, मुझको कुछ यहां दिखाई नहीं पड़ता, आई डू नॉट सी एनीथिंग हियर, एक छोटा सा मुट्ठी भर हाथ मुझको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। मेरे प्रियो, उसने सेवक से कहा, सात बार यहां से जा। कितनी बार जा, सात बार यहां से जा। ये बहुत बड़े विश्वास को दिखाता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा, उसका विश्वास रंग लाया। सात बार जा, एक बार दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूसरी बार दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने राजा को बोल दिया कि परमेश्वर बारिश को भेजेगा, मैंने राजा को बोल दिया कि परमेश्वर इस काम को पूरा करेगा, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन मैंने कहा है मुझको वर्षा की आहट सुनाई पड़ती है, तू खाना खाने जा। लेकिन यहां पर कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ता मेरे प्रियो, उसने अपने सेवक को भेजा, देख कर क्या कोई दिखाई पड़ता है वहां पर। मेरे प्रियो, वचन कहता है, वचन इस बात को बताता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा हाथ। गो फॉर द सेवन टाइम्स। छोटा बादल कई बार निराशा को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा, आपको इस समय परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष देगा मेरे प्रियो। आई एम गोइंग टू अंडरलाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ। मेरे प्रियो, शायद एक बार में प्रार्थना का उत्तर ना मिले, शायद दो बार में ना मिले, विश्वास के साथ ही केप्ट ऑन क्लेमिंग एंड ही क्लेमिंग दैट लॉर्ड विल श्योरली डू इट। परमेश्वर निश्चित रूप से इस काम को पूरा करेगा। हालेलुया। इस समय अंधकार की सारी ताकतों को यीशु मसीह के नाम पर मैं बांधना चाहता हूँ। मैं इस समय कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों की प्रार्थनाएं जो कि रुक गई हैं, इस समय परमेश्वर के नाम पर कहना चाहता हूँ, पहला बादल दिखा होगा, दूसरा बादल छोटा है, सात बार जाइए, बार बार जाइए, एंड गॉड इज गोइंग टू शो यू द आंसर ऑफ योर प्रेयर माय डियर फ्रेंड्स। इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, नामान कोढ़ी जब वो यर्दन नदी में डुबकी लगाने लगा, मुझको ऐसा लगता है जब उसे डुबकी लगाई, जब पहली बार उठा होगा तो उसने देखा होगा कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। तीसरी बार डुबकी, नथिंग हैपेंड। बार बार अपने शरीर को देखता होगा मेरे प्रियो, बार बार अपने शरीर को देखता होगा, बार बार मेरे प्रियो वो देखता होगा। छठवीं डुबकी, कुछ नहीं हुआ। शैतान उसके मन के अंदर इस बात को डाल सकता था, नामान अब छोड़ो, सात बार डुबकी का क्या मतलब है, छह बार में तो कुछ नहीं हुआ, लीव इट। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सातवीं डुबकी उसके जीवन में आई, जो उसके जीवन के अंदर चंगाई को लेकर के आई। मेरे प्रियो, इस समय एक बात को और मैं याद करता हूँ, इसराइली लोग जब यरीहो की दीवार का चक्कर लगा रहे थे मेरे प्रियो, जबकि यहोशू ने कहा था सात चक्कर, इस समय इस दीवार का लगाओ। मेरे प्रियो, मुझको ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होगी, चक्कर लगाने से क्या होगा। Wall of the Jericho was standing like a challenge. एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में यरीहो की दीवार उनके सामने थी। 40 साल हमने परिश्रम किया, बहुत लोगों को हमने मरते हुए देखा, सब कुछ छोड़ करके हम इस प्रॉमिस लैंड की ओर आए थे, लेकिन रास्ते में ये दीवार है, क्या करें। मेरे पियो, मुझको ऐसा लगता है वो चक्कर लगा रहे होंगे, एक चक्कर आया, यूं करके देखा होगा एक आंख से, कोई दीवार में हो रहा है क्या, शायद नहीं हुआ। दूसरा चक्कर, कुछ नहीं हुआ। तीसरा चक्कर, कुछ नहीं हुआ। चौथा चक्कर, कुछ नहीं। लेकिन यहोशू ने कहा, अपने आप को पवित्र बनाए रखो, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने आप को पवित्र बना करके रखो। यहोवा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, अपने आप को पवित्र करो तो आज यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। जितने लोग इस समय बीमार है, जो इस समय बार बार शायद इस बात को बोल रहे हैं, यू ऑल आर लुकिंग एट मी, आई नो, आप लोग इस समय इस तरफ देख रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आप बीमारी के कारण बहुत हताश हैं, कोरोना, बहुत सारी चीजों ने अगर आपके जीवन को तोड़ दिया, खुदावन प्रार्थना कर करके थक गए हैं, समझ में नहीं आता है क्या होगा, बहुत समय हुआ भी बाल बच्चा नहीं हुआ,
बहुत समय हो गया प्यारे खुदावंद, अभी तक नौकरी नहीं लगी, मारे मारे फिरते हैं खुदावंद, शरीर के अंदर जो विकार है, प्रति सवेरे जब मैं उठता हूँ मुझको लगता है मृत्यु बहुत पास है। इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष देगा। जादू टोने की आत्मा, अंधकार की आत्मा, बहुत सारी चीजें शायद आपको दबाती है, डिप्रेशन हो सकता है कि बहुत बार दुआ की लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एलिया के अंदर एक बहुत बड़ी बात हमको दिखाई पड़ती है। एक बार में बादल का टुकड़ा नहीं भी दिखा, उसने कहा 7 बार जग कंटिन्यू टू गो, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको देगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। हमने से हर एक को परमेश्वर इस समय बहुतायत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय अपने अपने मनों को हम तैयार करेंगे मेरे प्रियो, उसके फिर हम वचन में थोड़ी देर के और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज के दिन कहना चाहता हूँ 7वां चक्कर आने वाला है, 7वीं डुबकी आपके जीवन के अंदर आने वाली है। एलिया के जीवन के अंदर हम देखते हैं सेवक को उसने नहीं कहा 2 बार जाओ, तीसरी बार आके बोला होगा स्वामी अभी तक तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, उसने ये नहीं बोला रहने दो। He did not say. He said, continue to go. आपने एक मत्ती 7:7 आपने पढ़ा होगा, बचपन में हम इसको सीखते थे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो मूल अनुवाद ऐसा नहीं है, मूल अनुवाद मांगो नहीं है, मूल अनुवाद है मांगते रहो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। It is present continuous tense. लगातार तुम मांगते रहो तो तुमको मिलेगा, मांगो तो दिया जाएगा, मांगे तो नहीं मिला तो मटिया दिया, ऐसा नहीं है, मांगते रहो। और तब मुझको दाऊद की बात याद आती है, जिस प्रकार से दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती हैं, उसी प्रकार हमारी आंखें भी तेरी ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे दे, जब तक तू इस महामारी को ना थाम ले। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। 7वीं डुबकी आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं जिस परमेश्वर से हम मांगते हैं वो मृत परमेश्वर नहीं लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, सत्यनाश के गढ़े से मुझे निकाला, दलदल की बीच से मुझे उबारा, सत्यनाश के गढ़े से मुझे निकाला, दलदल की बीच से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मेरे प्रियो बिल्कुल अभी हम अंत में हैं, बादल गया, बादल दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन उसने कहा 7 बार जा। अब मेरे प्रियो ध्यान के साथ सुनिए, जब उसने कहा कुछ दिखाई नहीं पड़ता तब एलिया ने क्या किया, इस समय इसको देखेंगे मेरे प्रियो। पहला राजा 18:42 इस समय इसको देखेंगे, उसने किस प्रकार से प्रार्थना की, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा जी। पहला राजा 18:42 तब आहा खाने पीने चला गया, हाँ, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया, हाँ, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच किया। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह कहां पर किया, घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। बस यहां पर रुकेंगे मेरे प्रियो, ये जहां तक मुझको लगता है, जहां तक अभी तक मैंने अध्ययन किया है,
मुझको ये लगता है ये पहली बार है कि कोई प्रार्थना करने के लिए भूमि पर बैठकर अपने मुंह को घुटनों के बीच में कर रहा है। हमने हाथों को उठा करके प्रार्थना करने की चर्चा सुनी है, हमने घुटनों के बल गिर करके प्रार्थना करने की चर्चा सुनी है, हमने मुंह के बल गिर करके प्रार्थना करने की चर्चा सुनी है, हमने हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करने की चर्चा सुनी है। लेकिन ये चर्चा अक्सर हमने परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं सुनी कि कोई अपना मुंह घुटनों के बीच में करे। एक दिलचस्प बात इस समय आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसका क्या मतलब है? कर्मेल की चोटी पर गया, उसने अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। मैं समझता हूं इस समय बहनें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझेंगी, उनको परमेश्वर ने मां बनने का सौभाग्य दिया है, आज आप इसको समझेंगे मेरे प्रियो। एक दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहता हूं, उन दिनों गर्भवती स्त्रियों को संतान उत्पन्न करते समय या जनने से पहले देर तक इस मुद्रा में बैठना पड़ता था ताकि जनने में आसानी हो। मेरे प्रियो इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा, आपको मेरे प्रियो अच्छा लगेगा। कितनी प्यारी बात है, अपने मुंह को घुटनों के बीच में रखकर वह मानो अपनी प्रार्थना का उत्तर पीड़ा और आंसुओं के साथ इस समय वो पाना चाहता था। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का इस समय धन्यवाद करता हूँ। हमें से हर एक को परमेश्वर इस समय बहुत आयत के साथ आशीष दे। मेरे प्रियो, इस समय हम बड़े ध्यान के साथ इस बात को देख सकते हैं, हमें से हर एक को परमेश्वर इस समय आशीष दे मेरे प्रियो। और यहाँ पर एक बात को मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, वो अपनी प्रार्थना में जच्चा किसी पीड़ा को सहता हुआ अपने प्रार्थना के उत्तर को उत्पन्न होते हुए देखना चाहता था। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे सामान्य प्रार्थना तो कहीं तक पहुंचती नहीं, वो प्रार्थना थोड़ी होगी बिल्कुल सेल्फिश प्रार्थना, बहुत सेल्फिश। एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक सेल्फिश प्रार्थना का उदाहरण आपको देता हूं। गॉड, अगर किसी का नाम होगा तो माफ कीजिए, गॉड माय नेम इज जॉन, ब्लेस मी। लॉर्ड, नेम ऑफ माय वाइफ इज रूथ, ब्लेस हर। गॉड, नेम ऑफ माय सन इज डैनियल, ब्लेस हिम। And God, name of my daughter is Martha. Bless us. Bless us for and no more. मेरे पियो, इस प्रार्थना को वो पसंद नहीं करता। प्रार्थना के अंदर यहां पर देखते हैं मेरे पियो, घुटनों के बीच में अपने मुंह को घुसा करके मानो वो जच्चा किसी पीड़ा को सहता हुआ वो प्रार्थनाओं के उत्तर को देखना चाहता है। गॉड सिंपली आई एम नॉट सेंडिंग अ मैसेज टू यू कि इस समय तू अपनी प्रार्थना का उत्तर दे दे, मैं इस समय पीड़ा के साथ, आंसुओं के साथ, अपने टूटे हुए जीवन के साथ, लोगों के टूटेपन को सामने लाने के बाद मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हुआ तेरी प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। अब मेरे पियो, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस कार्य को उसके लिए किया। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। हमें से हर एक को परमेश्वर आशीष दे मेरे प्रियो। मैं अब समाप्त करना चाहता हूं, हमें से हर एक को परमेश्वर इस समय बहुत आयत के साथ आशीष दे। निश्चय वो हमें से हर एक को अलौकिक चिन्ह देगा, हमें से हर एक को वो अलौकिक चिन्ह देगा मेरे प्रियो। इससे पहले कि हम समाप्त करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए, आज के दिन एक बार फिर से कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इससे पहले कि समाप्त करूं, आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वही आप में से हर एक के पापों को क्षमा करता, वही आपके रोगों को चंगा करता, और आज के दिन निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर वो अलौकिक ढंग से देगा। इस समय मैं एक बात के लिए आपको एनकरेज करना चाहता हूं, भाई राकेश, इस समय आपकी पूरी सेवा को मैं एनकरेज करना चाहता हूं। इस समय परमेश्वर जमशेदपुर की सारी कलीसियाओं को, इस समय परमेश्वर जमशेदपुर के अंदर के सारे सेवकों को, इस समय परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप में से हर एक को इस समय एनकरेज करना चाहता है, और वो कहना चाहता है, क्या तुमने आज नहीं सुना? महामारी के समय में, आंधी के समय में, तूफान के समय में, अकाल के समय में, आई यूज्ड द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स टू ब्रिंग अबाउट अ वंडरफुल रिजल्ट। व्हाट इज योर रोल? एंड आई एम नॉट प्रीचिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज इवन माय रोल? सामान्य लोगों को भी वो असाधारण बातों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। और लिखा है, जब एलिया ने प्रार्थना की तो वर्षा हुई। मेरे प्रियो, आज अपने आप को तैयार करें, आंसुओं के साथ अपने आप को तैयार करें। इस समय मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, हमें से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुत आयत के साथ आशीष दे मेरे प्रियो। आज के दिन कहना चाहता हूं, शायद आपने किसी को भेजा, जाकर के देखो, इज देयर एनी रिजल्ट? सेवक आकर के बताता है, कोई बादल दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बार जा, क्या कुछ उत्तर मिला? नहीं मिला स्वामी। तीसरी बार जा, क्या कुछ उत्तर मिला? नहीं मिला।
अरे छोड़, अब तुमको जाने की आवश्यकता नहीं, नहीं मेरे प्रियो। उसने विश्वास के साथ कहा था, सात बार जा, अब परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इस समय प्यारे खुदावंद आपके सामर्थी नाम पर कहना चाहता हूँ, बहुत लोग इस समय, जबकि प्यारे प्रभु जी इस समय इस जूम मीटिंग के द्वारा बहुत लोग इस समय प्यारे खुदावंद जबकि आपके वचन को सुन रहे हैं, आज के दिन कहना चाहता हूँ हर एक कोई इस समय अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। हालेलुया, स्वर्ग की ओर उठाए, स्वर्ग की ओर उठाए। इस समय स्वर्ग में से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर बहुतायत के साथ दे। आप में से हर एक को परमेश्वर इस समय आशीष दे। राष्ट्र को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारी प्रजा को चंगा करूंगा। अगर तुम में से कोई लोगों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करे, अगर तुम में से कोई प्रार्थना का धूप लेकर के उस सुगंध को लेकर के मेरे सन्मुख आए, तो मैं महामारी को रोक दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदावन। इस समय प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस समय बीमार है, जितने लोग इस समय हो सकता है कोरोना के संक्रमण का सामना कर रहे हैं, अपने जीवन के अंदर बहुत सारी अनुत्तरित प्रार्थनाओं के साथ इस समय हताश बैठे हो, तो आज के दिन कहना चाहता हूं प्यारे खुदावन इनमें से हर एक को इस समय बहुत आयत के साथ आशीष दे। I send my words and heal your disease. I am the Lord your healer. खुदावन प्रार्थना करता हूं एक एक जन के इस समय साथ हूं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु इस सब प्रकार का संक्रमण, प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद सब प्रकार की किसी भी प्रकार की बीमारी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु इस सब प्रकार की हरारत, सब प्रकार की इस बीमारी के लक्षण यदि इस समय इनमें से किसी के अंदर है, यीशु मसीह आज इस सभा के समाप्त होने के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ ये लक्षण आपके सामर्थ्य नाम पर समाप्त तो होने पर। प्रार्थना करता हूँ प्यारे खुदावंद यदि किसी के शरीर के अंदर कुछ पल रहा है, हर एक को अनुग्रह करके इस समय चंदा करके आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे गुलाब, आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूँ। भाई राकेश की पूरी सेवा को मैं इस समय आशीष देता हूँ। जितने लोग इस समय सुन रहे हर एक को इस समय बहुत आयत के साथ बरकत दे प्यारे गुलाब, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम में से हर एक के साथ हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूँ प्यारे गुलाब, आदर महिमा आपको देता हूँ। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मानता हूं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहां लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हालेलुया। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहां। बीमारी की हालत में मैं यहां, कंगाली की हालत में मैं यहां, बेऔलाद होकर मैं यहां, कोरोना का संक्रमण शायद मेरे शरीर में है, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तू कहां है? तो वो कहेगा मैं भी चंगा करने के लिए समय तुम्हारे बीच में उतर आया। अंतिम
फिर से आमीन। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छी संगति के लिए, निमंत्रण देने के लिए। आपके बीच में आना हमारे लिए एक आनंद का विषय था। एक परिवार हो करके हम आपका हाथ जोड़ करके धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आप में से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर अजीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके परमेश्वर के वचन की सेवकाई के, भाभी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में हम सभी लोग बहुत आयत से आशीष पाए, और परमेश्वर ने, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक से बोला और बातचीत किया। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। और आइए हम लोग इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे। पास्टर गौरव आनंद हमारे बीच में हैं और वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे, और आशीष वचन के साथ में हम लोग इस सभा को समाप्त करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा कि कल भी आप लोग, कल की शाम भी जरूर से जुड़िएगा। हर दिन हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये सेवकाई आपके लिए दे रहे हैं, और आप लोग निश्चित रूप से इन दिनों आशीष पा रहे हैं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो इस समय आदरणीय पास्टर, पास्टर गौरव आनंद हमारे सीनियर पास्टर हैं, वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। पास्टर गौरव। प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुख आते हैं। प्रेयर फिल्म के माध्यम से आप अपने दास अजीत ओरो के द्वारा हम सबों से बातचीत की हम धन्यवाद करते हैं, जो आज इन दिनों में हम सबकों के लिए, सभी सेवकों के लिए आवश्यकता थी। हाँ प्रभु, ऐसे समय में आपने उन्हें हमारे बीच में इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम ये कह सके प्यारे प्रभु कि हम जीवितों और मरे हुओं के बीच में खड़े हो सकें और तुझको पुकार सकें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको बड़ी आशीष प्रदान करें, उनके परिवार के साथ होइए, और प्रभु अपने जो सेवा उनसे लेनी है बहुत आयत के साथ प्रभु वो सेवा लीजिए। हमारे जमशेदपुर के प्रत्येक सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक को प्यारे प्रभु अपने खून में छुपाएं, और जो सेवकाई हम लोग जमशेदपुर में कर रहे हैं प्यारे प्रभु, हाँ प्रभु इस बात को हम समझ सकें, हारून और मूसा के समान प्रभु मीडिएटर का कार्य कर रहे हैं। प्रभु ऐसा अनुग्रह करें। आपके दास हमारे भाई राकेश कंडुलना के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेयर फिल्म के माध्यम से आपने प्यारे प्रभु उनको भी ये अवसर दिया है कि हम लोग मिलकर के प्रार्थना कर सकें, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक बार आपके दास अजीत ओरो को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु सारी बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आशीष वचन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक सेवकों के साथ और मसीह विश्वासियों के साथ सदा होती रहने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच पास्टर गौरव, और जितने भी लोग आज की शाम में इस मीटिंग को ज्वाइन किए, मैं विश्वास करता हूं कि आज की सभा हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण बनने पाई है। हालेलुया। सो प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देते हैं, और आप सभी लोग जो नियमित रूप से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में भी बनी रहे। मैं आप सबों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, और आप लोग भी एक दूसरे के लिए, हम सबों के लिए प्रार्थना करें। इस समय बहुत कठिन परिस्थिति है, और जिसमें कि हर एक विश्वासी, हम लोगों ने अभी सुना था कि किस प्रकार से परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रार्थना करें, जो लोगों के बीच में खड़े होकर के एक मध्यस्थ बने,
और ताकि परमेश्वर का जो क्रोध है और सारी बातें जो आज हो रही है वो सब थम जाने पाए। और हम लोगों ने एलिया के बारे में सुना कि किस प्रकार से एलिया हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने गिड़गड़ा करके प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और आसमान को बंद कर दिया। और उसने जब फिर प्रार्थना की, आसमान को परमेश्वर ने खोल दिया। आज वही परमेश्वर आज आपके द्वारा से अद्भुत कार्यों को करेगा, आपके द्वारा से परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अंजाम देगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है इन दिनों। आमेन। सो प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपको आपके जीवन के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में, आपके सगे संबंधियों के अंदर में लगातार बनी रहे। और हम लोग कल शाम में फिर से ज्वाइन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि पास्टर अजीत भैया एक बार फिर से हमारे बीच में आएंगे। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप जो है फिर से हमारे बीच में एक बार और आकर के जो है हमारे सारे लोगों को उत्साहित करेंगे, परमेश्वर के वचन से आशीषित करेंगे। सो आपसे अनुरोध है भैया। सो थैंक यू सो मच, हमारे बीच में आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया। भाभी सिस्टर आराधना पुरो को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भतीजे है ना अभिजीत को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के जीवन में बना रहे। सो जुड़े हुए सारे लोगों को धन्यवाद। कल शाम की सभा में हम लोग फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट सब लोगों को। जय मसीह की, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं भाई आप लोग बताइए तो, कहाँ कहाँ से, जमशेदपुर के बाहर से कितने लोग जुड़े हुए हैं? प्रेज़ द लॉर्ड भैया, हम लोग कोलकाता से जुड़े कोरबा से। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। रांची से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसा लगा आप लोगों को? कोलकाता से प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। रांची से प्रेज़ द लॉर्ड। कलकत्ता से प्रेज़ द लॉर्ड। रांची से प्रेज़ द लॉर्ड। चाईबासा से प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, बिहार से भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ से? वाव, प्रेज़ गॉड। कोरबा से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लगा आप लोग को आज का मीटिंग? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल्ली जुड़ी आप लोग, ठीक है? हिमाचल से हमारी बहन सुमन हिमाचल से जुड़ी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड सुमन, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। चित्रंजन से प्रेज़ द लॉर्ड। चित्रंजन से ओके ओके ओके, वाह वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। रांची से प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा लगा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब, प्रेज़ द लॉर्ड। रांची से ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से आज एक प्रेरणा मिला है कि हम लोगों के ऊपर सचमुच में आज हम लोगों को भी एलिया के समान बनना है। आमेन, आमेन, आमेन। बहुत बड़ी अपना सुनो ना, समूरी बोल रही है अभी। Praise the Lord, Muri से praise the Lord, thank you, Delhi से Pastor साहब, praise the Lord, thank you so much. Hello, hello Pastor साहब, Rakesh दा, जी जी, जी जी, Rakesh brother, hello, धन्यवाद कुछ, hello, हाँ बोलिए,
हाँ बोल रहे, इतना मध्यस्थता का ये प्रार्थना आप जो ये मतलब मेरे पास शब्द नहीं आपको धन्यवाद देने के लिए। ओह थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद और ब्रदर राकेश आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज द लॉर्ड। और भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रेज द लॉर्ड। और कहां कहां से जुड़े हैं आप लोग? हेलो, हाँ जी, फिलिपीन से ज्योत्सना बारला जी, जैस्मिन एंड मैं जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सेशन सुनकर, मैं कई दिनों से अच्छा लगा। प्रेज लॉर्ड, ओ सिलीगुड़ी से ज्योत्सना, प्रेज लॉर्ड। यही वाला लिंक रहेगा, ठीक है? आप लोग डेली इसी लिंक में जुड़िएगा, ठीक है? यही लिंक रहेगा, है ना? और आप लोग के लिए हम लोग 100 से 500 वाला स्लॉट हम लोग ले लिए, ठीक है? तो डोंट वरी, ठीक है, आप लोग उसमें जगह पा जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हाँ थैंक यू, हाँ विजय प्रेज़ लॉर्ड आदितपुर से, प्रेज़ लॉर्ड। तो थैंक यू, हाँ हम लोग मीटिंग क्लोज कर रहे हैं, कल शाम में फिर से मिलेंगे शाम 6 बजे, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड। सब शाम को 6 बजे हम सभी बहुत जी जी शाम में 6 बजे इसी आईडी में, ठीक है? ओके ओके ओके।